यहाँ हमने देखा है कि जब भी हम कहते हैं कि एक खलीफा के नीचे आते हैं, सपोज एक मुल्क के अंदर लोग आते हैं, ये शरीयत के नफाज की बात की जाती है, यहाँ शरीयत की हर बंदा अपनी अपनी डेफिनेशन पर शुरू कर देता है, इस मसले से कैसे आप नबरदार जजाक होंगे? अल्लाह। ये बड़ा अहम सवाल है और आमतौर पर सेकुलर हजरात इस्लाम को के नफाज को मुस्तरद करने के लिए वो सिर्फ ये कह देते हैं कि जी कौन सा इस्लाम। तो मैं उसके जवाब में अक्सर कहता होता हूँ कि मुझे बताइए कौन सी जमहूरियत। क्या आपको अमेरिका की जमहूरियत पसंद है, क्या आपको बरतानिया की, क्या फ्रांस की, ये तमाम मुख्तलिफ जमहूरियत हैं, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि ओवरऑल चीज़ तो एक ही है। बिल्कुल यही मामला इस्लाम का है। इस्लाम के अंदर बुनियादी उसूलों के अंदर और बुनियादी चीज़ों के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं। आप मुझे बताइए कि क्या फहाशी शिया पसंद करता और सुन्नी पसंद नहीं करता, क्या सूद जो है वो अहले हदीस पसंद करता है और देवबंदी और बिली पसंद नहीं करता। तो इनफैक्ट अगर मैं डिटेल में भी चलूँ, वक्त मुख्तसर है, इन तमाम बुनियादी इश्यूज के ऊपर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। आगे जाकर तफसीली अहकाम, मिसाल के तौर पर अब शाफी ओपिनियन के मुताबिक औरत जब घर से बाहर निकले तो वो अपना पाँव भी कवर करेगी और हाथ और मुंह दिखा सकती है। हनफी ओपिनियन के मुताबिक हाथ मुंह और पाँव तीनों चीज़ें दिखा सकती है जब वो बाहर जाए। अब इतने माइनर डिफरेंस के ऊपर लड़ाइयाँ और जंगें ना पहले हुई हैं माजी में और ना होंगी। लेकिन अब सवाल अभी भी रह गया आपका कि फिर इनमें से कौन सा ओपिनियन लॉ ऑफ द लैंड बनेगा जो नाफिज होगा। तो उसकी दलील हमें ये ऑलरेडी कुरान से मिलती है। कुरान फरमाता है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, ठीक है, इताअत करो अल्लाह की, रसूल की और उलिल अम्र की। यानी जहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इसमें जो ओपिनियन खलीफा अडॉप्ट करेगा वो नाफिज होगा। तो अबू बकर के दौर के अंदर उनका ओपिनियन यह था कि तीन तलाकें एक तलाक होती और वही नाफिज रहा। हजरत उमर जब खलीफा बने उनका ओपिनियन यह था कि तीन तलाकें अगर दी जाएं तो वो तीन तलाकें ही कंसिडर की जाएंगी और वो उस पर दुरे लगाते थे कि तुमने सुन्नत तरीका क्यों छोड़ा। तो जी इनफैक्ट ये इस्टेब्लिश्ड है और ये शरी प्रिंसिपल है कि अमरुल इमाम यरफाउल खिलाफ, कि इमाम का जो अम्र है, हुक्म है, वो इन डिफरेंसेस को खत्म करता है और उसका ओपिनियन नाफिज होता है। तो इनफैक्ट यही ओपिनियन रहेगा जब खिलाफत आएगी, और खलीफा का ओपिनियन जो कि अगेन माइनर इशू में डिफरेंट है वही नाफिज होगा। और ये तमाम स्कूल ऑफ थॉट जानते हैं कि इमाम का खलीफा का ओपिनियन काबिल कबूल होगा और हम उसके सामने समय ना वताना करना होगा।